फ्रेंड फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। दोस्तों रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने जिन कैंडिडेटों का रिफंड कैंसिल हो गया था बिकॉज उनका बैंक डिटेल इरर हो गया था, उन्हीं कैंडिडेटों के लिए जो लिंक एक्टिवेट कर दें। यहाँ पे देखिए द एप्लीकेशन फी रिफंड ट्रांसक्शन इनिशिएट बाय द RRB स्टिल अंडर प्रोसेस द डिटेल फॉर द कैंडिडेट हुज रिफंड ट्रांसेक्शन हैज फेल्ड विल बी लाइव फ्रॉम 21 दिसंबर। तो आज है 21-22 दिसंबर, तो ये 21 दिसंबर से लाइव था लेकिन अभी ये लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो ये बस उन्हीं कैंडिडेटों के लिए है जिनका रिफंड ट्रांसेक्शन में जो है फेल्ड हो गया था, जिनके बैंक डिटेल जिनका गलत हो गया था। ये मैं रिकमेंडेड करूँगा उन कैंडिडेटों के लिए जिनका फेल्ड हो गया था। तो सभी अपने अपने जोन ऑफिशियल जोन पे चल जाए, जिस जोन में आप अप्लाई किए हैं बस उसका ऑफिशियल लिंक पे आपको जाना होगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ मैं दिए रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड पटना ओपन किया हूँ, तो जो जिस जोन से बड़ा है वहाँ पे चले जाएं। तो सबसे नीचे में आने के बाद यहाँ पे देखिए मैसेज दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे क्लिक करिएगा, चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू टैब खुल के सामने आ जाएगा। देखिए दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड ओनली फॉर द कैंडिडेट फॉर होम द फी रिफंड हैज फेल्ड ड्यू टू इनकॉरेक्ट बैंक डिटेल। तो बस ये उन्हीं कैंडिडेटों के लिए है जिनका बैंक डिटेल गलत हो गया था, जिसके कारण उसका रिफंड उनके बैंक अकाउंट में नहीं गया था। SBI को छोड़कर बाकी बैंक का रिफंड होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं रिकमेंडेड करूंगा उन कैंडिडेटों को जिसके पास SBI का अकाउंट हो, अपने घर में फादर या मम्मी का किसी भी भाई बहन का किसी का हो तो वो SBI का ही अकाउंट इसमें दे, ताकि उनको रिफंड होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि SBI में जल्दी से रिफंड हो जाता है। तो लिंक एक्टिवेट हो गया है, लाइव हो गया है जिन कैंडिडेटों का रहता है। यहाँ पे किसी का अगर रजिस्ट्रेशन नंबर और रहता तो मैं आपको लाइव करके यहाँ पे दिखा देता पूरी प्रोसेस। तो अभी मेरे पास नहीं है लेकिन मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ जहाँ से आप ये कर सकते हैं। बहुत से कैंडिडेटों को ये पेज नहीं खुल पाता है बिकॉज उसके नेट में प्रॉब्लम रहता है या डिवाइस में प्रॉब्लम रहता है। तो आप डेस्कटॉप वर्जन में जाके मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो डेस्कटॉप वर्जन में आप ही ओपन करें, बार बार ओपन करने से आपको ये खुल जाएगा। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन ID और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपका पूरी फाइल यहाँ पे खुल जाएगा जहाँ से आप अपना बैंक डिटेल जो है करेक्शन कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, और ये भी रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अपडेट आपको समय पे मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।